नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। पूरा मुंबई राम नाम के उसमें डूबा है। हम इस टाइम अंधेरी के डीएन नगर जगह पे हैं, तो बहुत फ्लैग लगे हैं पूरी जगहों में। बहुत ईश्वर के प्रभु राम के जो है बैनर्स अलग अलग पॉलिटिशियंस ने लगाए हैं, तो काफी रंग में रंगा है प्रभु के रंग में रंगा है भगवा। ये देखिए, ये मराठियों का घर है, तो उन्होंने पूरा लगाया भगवा। मंदिरों के पास मलाड, ये डीएन नगर है। मंदिरों के पास शिवसेना के बहुत बोर्ड लगे हैं, और ऑटो वाले जो यूपी और बिहार के हैं, उन्होंने बड़े बड़े जो है उस बड़े बड़े अपना झंडे लगाए हुए हैं। अभी हम जुहू सर्कल की तरफ जा रहे हैं। ये रुस्तम जी की बिल्डिंग है, इसमें भी देखिए कुछ लोगों ने लगाए हैं झंडे। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए ऑटो वालों ने बहुत लगाए बड़े बड़े फ्लैग, और चल रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं, और जगह जगह पर जो है जय श्री राम के बोर्ड लगे हैं। तो पूरा देश जो है राम के रंग में रमाया हुआ है। घट घट में जो समाए हैं राम, हिंदुओं के सनातनी के आस्था के प्रतीक है राम। ये हम जुहू सर्कल पर आ गए। मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कल शिलान्यास हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बहुत लोग वहां गए। कुछ लोग रो रहे थे खुशी में, और अभी तो मंदिर बनना जो है बाकी है, 2 साल तकरीबन लग जाएंगे। पूरा स्मार्ट सिटी अयोध्या में बना रहे हैं, मगर आसपास के घरों को दुकानों को तोड़ा जा रहा है, तो वहां के लोग काफी दुखी हैं, उनको कहीं और बसाया जाएगा। तो एक लंबी लड़ाई जो तकरीबन 500 सालों से चल रही है, उस पे जीत हुई है, और पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ इस महोत्सव को मनाया। रात भर पटाखे चलते रहे यहाँ पर। ये हमारा जुहू सर्कल आ गया। ये यहाँ के एमपी, शिव सैनिक, सबके बोर्ड, प्रधानमंत्री जी का, सबका जो है यहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं। ये जुहू सर्कल है, और कुछ गलत सोच वाले लोगों ने मीरा रोड के साइड में जो है दंगा वगैरह भी किया। अपना अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी सोच है। वहाँ पे फिर 144 धारा लगाई गई, मगर अंधेरी का ये बहुत पॉश इलाका है जुहू, यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी घटना यहाँ नहीं होती। ऑटो वाली अपनी मस्ती में क्या ठाट से जो है लहराते हुए फ्लैग चल रहे हैं। चारों तरफ जो है Thank you.
ये बिल्डिंग में शम्मी जी एक्ट्रेस रहा करती थी फिल्मों की। ये हम 10th रोड पे आ चुके हैं, जुहू की 10th रोड बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। इस बिल्डिंग में गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा साहब है। ये हम आ गए मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के घर, यहीं से हमको ढूंढना पड़ता है अपने घर को। अमिताभ बच्चन जी ने अपने घर में फ्लैग नहीं लगाए मगर वहां वो गए। तो ये था मुंबई दर्शन। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आगे देखिए। ये मराठियों का वड़ा पाव की दुकान है और यहाँ पे भी फगवा लहरा रहा है, केसरिया रंग। जो ये देखिए, ये भी एक चांद सोसाइटी है, बड़ी पुरानी सोसाइटी। यहाँ तो लाइटें लगी हैं, यहाँ पार्टी हुई थी हम लोग की भी सोसाइटी में। अलग अलग लोगों ने जो है अपने अलग अलग सोसाइटीज में जितने भी वो हैं अपने सेक्रेटरीज वगैरह, उन्होंने वॉचमैनों को पार्टी कल दी। और एक सच मुंबई का ये है कि चार कदम पे पूरे सेलिब्रिटी रहते हैं। और पानी की व्यवस्था देखिए, ये पीछे गौटन है यानी कि झोपड़पट्टी। देखिए, गरीब चाहे कहीं पे भी रहे, पानी जो है वो किस तरह से स्ट्रगल करता है। और हम लोग पानी बहुत वेस्ट करते हैं। ये देखिए, नल पे टाइम में पानी आता, लेके लोग जाते हैं। और यही इसी एरिया में बड़े बड़े सुपरस्टार रहते हैं, इसी एरिया में गौटन है यानी कि। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि एक फल वाला जो है मराठी ने किसे फल अपना फगुआ लगाया हुआ है। ये देखिए, सोनू सूद की बिल्डिंग है, लव एंड लाटे। ये देखिए, हिंदुओं ने लगाए हैं और क्रिश्चियंस का। यानी आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।